तो गाइस ये देखो मेरे घर के छत में उग रही है बैगन। काफी बड़ा साइज है। ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये देखो। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सूर्यवंशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अपने इंडिया के अंदर भी कोरोना वायरस आ चुका है और काफी तेजी से फैल रहा है, तो हमारे इंडिया के पीएम सर नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू रखा हुआ है 22 मार्च 2020 को। तो गाइस आज ही वो डेट है और आज सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, तो मैं भी नहीं निकल रहा हूँ। तो आज का पूरा ब्लॉग इसी के ऊपर होने वाला है गाइस, कि मैं आज किस तरीके से अपने घर के अंदर टाइम बिताता हूँ, क्या क्या करता हूँ, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं कर चुका हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो शूट कर रहा हूँ ना, मैं रात को शूट कर रहा हूँ गाइस, एंड बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको मैंने, तो काफ़ी मज़ा आएगा ब्लॉग के अंदर, तो बने रहना पूरा वीडियो को देखना। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई कुछ अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, तो मैं नीचे से चाय वगैरह पी के फ्रेश होके ऊपर आया हूँ। तो अभी बालकनी में खड़ा हूँ अभी, तो यार पता चला कि ऊपर पापा मोमोज बना रहे हैं, तो मैं भी कुछ थोड़े बहुत बना लेता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मोमोज बना रहे हैं पापा और मैं किस तरीके से बनाता हूँ, वो दिखाता हूँ मैं सभी आपको। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर बन रहा है देखो मोमोज, ये देखो ये तैयार हो चुके हैं। ये रहा मैदा, इस तरीके से कुछ काट के बनाया और ये बेल दिया यहाँ पर, वहाँ देखो पापा बेल रहे उस तरफ। और जो स्टफिंग है देखो ये रही, इसके अंदर है प्याज है, क्या क्या है पापा इसके अंदर? प्याज है और पत्ता गोभी है और पनीर है और बाकी मसाले हैं, जो भी कुछ है बाकी मसाले हैं, तो वहाँ पे बेल रहे हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे, भी दिखाता हूँ देखो किस तरीके से बना रहे हैं। देखो ये लिया इसके ऊपर, और इस तरीके से डिज़ाइन हो गया तैयार। ये देखो इस तरीके से तैयार हो गया, गोल वाला बनाओ। तो अभी मैं भी बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये लिया मैंने इसमें, तो कुछ इस तरीके से करते हैं भाई इसको। ऐसा ही बनाया भाई, वो पापा ने देखो ऐसा बनाया है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बट मेरा देखो ऐसा हो गया बिल्कुल ही बेकार। पापा की प्रैक्टिस है ना भाई, मेरी प्रैक्टिस है नहीं। मैंने ना अभी पापा को बोला एक ना बड़े वाला मोमोज बना, काफ़ी बड़े वाला, तो देखता हूँ बड़े वाला बनता ही नहीं बनता। तो काफ़ी बड़ा साइज़ है, ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये देखो काफ़ी बड़ा साइज़ है देखो, ये वाला मैंने अपने लिए बनवाया है। तो भाई मोमोज बन चुके हैं, ठीक है अभी इसे खाऊंगा मैं। देखो इस तरीके की शेप में बने हैं सारे अलग अलग, बाकी ये चटनी ले ली हमने। तो भाई बड़े वाला खा के दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, बड़े वाला इतना बड़ा वाला ये। मज़ा आ गया भाई, मज़ा बहुत बढ़िया टेस्ट है। क्या खा रहे हो ये? मोमोज। अच्छे लग रहे हैं? हाँ। चटनी खाओगे? चटनी नहीं खाता। हाँ? नहीं खाता। चटनी नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? तो अपना नाम बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? करफ्यू मकाम। और मेरा नाम बता दो? सूरज आर्यवंशी। हाँ। और मेरी वीडियो को क्या करना है? लाइक शेयर और शेयर। और चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई इसने भी बोल दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बोल दो। बाय बाय। मम्मी कैसे लग रहे मोमोज? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा मोमोज। मैं बाहर तो वैसे खाती नहीं हूँ, घर का बना है इसलिए मैं खा रही हूँ। बनाया किसने है? हाँ। तुमने बनाया इसीलिए तो खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी आ गया हूँ मैं अपने शूज धोने के लिए, तो अभी कुछ टाइम हो रहा है भाई 12:43, तो भाई 1 बजने वाले, तो अभी ये चारों शूज धोऊंगा मैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और, जो मैं अपने शूज धोता हूँ ना वो इस शैम्पू से धोता हूँ, और ये इजी है ना, इजी से इन दोनों चीज़ से ही धोता हूँ मैं अपने शूज़, ना काफ़ी क्लीन हो जाते हैं शूज़। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप अपने जो शूज़ है किस प्रोडक्ट से धोते हो और साफ हो जाता है, मेरे को भी बताना। और मैंने तो अपना बता ही दिया कि मैं अपने जूते जो है शैम्पू वगैरह से धोता हूँ। मैं जो भी अपने कपड़े वगैरह धोता हूँ और जो अपने शूज़ वगैरह धोता हूँ, तो थोड़ा सा म्यूजिक चला लेता हूँ। तो ये रहा मेरा स्पीकर, तो इसमें म्यूजिक चला के आराम से धोता हूँ मस्ती से। तो जब तक मैं शूज़ धो रहा हूँ, तब तक आप लोग मेरे टाइम लैप्स एंजॉय करो।
तो गाइस शूज वगैरह धो के नहा धो के मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। तो अभी कुछ बज रहे हैं दोपहर के 2:30, तो लंच का टाइम हो चुका है। तो घर में क्या बना हुआ है, तो घर में बनी हुई है भाई, ये बनी हुई है दाल, ये थोड़े से चावल लिए, ये सब्जी, ये कुरकुरे हैं, ये चटनी और ये प्याज। तो इन्हें खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह खा चुका हूँ, अभी कुछ करने के लिए कुछ है नहीं। तो अभी कुछ टाइम हो रहा है 3:24, तो यार थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, उसके बाद उठूँगा और कंटिन्यू करूँगा इस ब्लॉग को। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग के अंदर, तो बने रहना मेरे साथ। तो उठता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ इस ब्लॉग को। तो गाइज़ मैं सोया तो नहीं, थोड़ा फ़ोन वोन चला रहा था ऐसे, तो सो नहीं पाया मैं। और अभी कुछ बजने वाले हैं 5, ये देखो 4:53 हो रहे हैं, 53 हो रहे हैं। तो अभी 7 बाद, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उन सब लोगों को रिस्पेक्ट देना है एंड थैंक यू बोलना है जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, जो साफ सफाई कर्मचारी, उन सबको थैंक यू बोलना है। और थैंक यू कैसे बोलना है, ताली बजा के, जो थाली होती है थाली को चम्मच से बजा के, तो उन सब लोगों को थैंक यू बोलते हैं। चलो फिर फटाफट चलते हैं नीचे और उनको सबको थैंक यू बोलते हैं। मम्मी को बजा रहे बस। अभी हूँ छत के ऊपर और आप लोगों ने देखा किस तरीके से सब लोगों ने उन सबको थैंक यू बोला, थाली बजा के, ताली बजा के, शंख बजा के, सब लोगों ने उन सबको थैंक यू बोला है। एंड गाइस अभी आधा घंटा हो चुका है, अभी कुछ देखो 5:30 होने वाला और अभी तक थाली बज रही है। तो भाई अब तो भाई कोरोना वापस जाएगा भाई, इंडिया छोड़ के बिल्कुल जाएगा, गो कोरोना गो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं छत के ऊपर और मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये मेरे पापा ने उगा रखे हैं, ये कुछ सब्जियाँ लगा रखी हैं मेरे पापा ने, तो इनकी भी अपडेट देता हूँ आपको जब छत के ऊपर आऊँ तो दे देता हूँ। और अपने पापा से भी पूछ के बताऊँगा कौन कौन से पेड़ पौधे पापा ने लगा रखे हैं। तो चलो यार दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई तो मेरे घर में उग रहे हैं भाई, देखो बैगन, ये देखो बैगन लगे हुए हैं इस पे, और ये पूरे बैगन के पेड़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये रही अपनी हरी धनिया, ये रही अपनी मेथी, ये रही अपनी पालक, और ये जो सीताफल होते हैं ना, ये पेठा बोलते हैं, सीताफल है ना वही ना, पेठा या सीताफल बोलते हैं इसके ऊपर, ये भी उगा रहे हैं। कौन सी तोरी है, ये तोरी का है। तो भाई ये वाला पेड़ जो है तोरी का पेड़ है। और इस तरफ दिखाता हूँ, जैसे इस तरफ ये देख रहे हो, ये इधर देखो, ये देखो मिर्ची उग रही है, देखो ये देखो इस तरफ भी है, ये रही एक, तो ये मिर्ची का पेड़ है। और बाकी इस तरफ फूल वगैरह भी उगा रखे पापा ने। ये देखो ये कड़ी पत्ते का पेड़ उग रहा है इसके ऊपर, ये देखो ये कड़ी पत्ते का है। सो गाइज आप लोगों ने देखा किस तरीके से मेरे पापा ने छत के ऊपर जो है सब्जियां उगा रखी है। एंड गाइज हम लोग 2 से ना, पिछले 2 से फ्रेश सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से उगा के। और गाइज मैं सोच रहा हूँ जैसे बाहर के तो ब्लॉग नहीं आ पाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस ने हमला बोल रखा भाई इंडिया के ऊपर, तो बाहर तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसी जो मेरे पापा ने जो लगा रखे हैं सब्जी वगैरह, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पापा ना इनके ऊपर जो खाद होता है ना, खाद वो खुद घर पर ही बना के खुद खाद डालते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर ना पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और गाइस काफी देर से मैं छत के ऊपर हूं, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूं नीचे, तो नीचे मिलता हूं फिर। एक छत के ऊपर से नीचे आ गए और अभी शाम हो चुकी है और आज है संडे का दिन, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी सबकी छुट्टी होती है, तो मैं मिलने चले जाता हूँ बेसिकली, बट आज नहीं जा पाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको वीडियो कॉल करूँ। तो देखो 6:05 हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार उनको वीडियो कॉल करके उनसे देखता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये क्यों रुक गए भाई, मैंने सोचा भाई संडे का दिन है आज, तो भाई सब लोग मिलते हैं संडे के दिन, सब लोग की छुट्टी होती है, तो मैं सोचा यार मिल तो पाएंगे नहीं, सोचा वीडियो कॉल कर लूं। अब संडे को ठीक से नहीं मिल पाए तो इस टाइम मिल तो रहे हैं। हाँ वैसे, हाँ ये बात भी सही, संडे को ठीक से मिल नहीं पाते, बट ये है कि ठीक से मिल रहा भाई, पता नहीं क्यों उनका कट गया कॉल। थाली वाली बजाई नहीं बजाई, अरे मेरा तो आ जाएगा, मेरा तो बजाई सब पूरी बजाई है मैंने, तो थाली शंख ढोलक सब बजाया हमने तो अरे वाह, अभी भी थाली बज रही है क्या अभी भी थाली बज रही है
तो भाई अभी अभी न्यूज़ देख के आ रहा हूँ नीचे से, भाई 31 तारीख तक लॉकडाउन हो चुकी है, दिल्ली पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। कुछ ही स्टोर खुले रहेंगे, जैसे कि मेडिकल स्टोर हो गया, आपको सब्जी मिल जाएगी एंड मदर डेयरी का दूध मिल जाएगा, और जो मल्टी स्टोर होते हैं वो खुले रहेंगे। ठीक है भाई, काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है दिल्ली के अंदर भी। तो भाई घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलो, लोगों से मत मिलो, वायरस फैलेगा, लोगों से मिलोगे तो भैया बिल्कुल भी मत मिलो, अपने घर में रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो। गाइस 8:40 हो चुके हैं और यहाँ पे वीडियो का काम भी चालू है, क्योंकि रात को या सुबह अपलोड कर दूंगा वीडियो को। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एंड ये भी कमेंट करके बताना कि आपने अपना दिन किस तरीके से बिताया अपने घर में। एंड गाइस अपने घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलो, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन हो चुका है दिल्ली 31 तारीख तक। तो कुछ जरूरी काम से अगर बाहर भी जा रहे हैं तो गाइस मास्क लगा के जाएं, एंड वहां से आ रहे हैं कुछ सामान लेके तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, बट अपने हाथों को बिल्कुल अच्छे से धोएं साबुन से। एंड गाइज सेफ रहें, घर में रहें अपने। तो गाइज फिर मिलूंगा किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।